शुभ प्रभात कक्षा प्रथम बच्चों विषय आपका हिंदी रिमझिम तो चलिए आप भी अपनी हिंदी की पुस्तक रिमझिम खोल लीजिए और देखिए बच्चों हम इसमें अध्ययन कर रहे थे आपके ग्यारहवें अध्याय पतंग कविता का जिसमें हमने इस अध्याय में जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर अपनी पुस्तक में ही देने का प्रयास किया और आज आप इसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न अपनी कॉपी में लिखेंगे तो चलिए बच्चों आप भी अपनी हिंदी की कॉपी खोल लीजिए और देखिए इस अध्याय से संबंधित प्रश्न तो आप भी इस तरह से सबसे पहले आज के दिनांक 24 सितंबर 2021 डाल दीजिए फिर पाठ संख्या 11 और पाठ का नाम पतंग फिर लिखेंगे आप प्रश्न उत्तर तो बच्चों इसमें आपको पहला प्रश्न दिया जा रहा है आकाश में कौन सैर सपाटा लगा रहा है तो आपने कविता में चित्र में देखा कि आकाश में देखो कौन सैर सपाटा लगा रहा है कौन घूम रहा है आकाश में तो यहाँ पे ये है पतंग पतंगे तो इसका उत्तर हम लिखेंगे आकाश में पतंगे या पतंग सैर सपाटा लगा रही है आकाश में पतंगे सैर सपाटा से लगा रही हैं फिर दूसरा प्रश्न है आकाश में उड़ते उड़ते पतंग किस कार्य में जुट गई आकाश में उड़ते उड़ते पतंग किस कार्य में जुट गई तो आपने कविता में पढ़ा था कि पतंग कविता में था आपकी पंक्तियाँ कि अब लड़ने में जुटी पतंग पतंग किस कार्य में लुट गई जुट गई लड़ने में तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि आकाश में उड़ते उड़ते पतंग दूसरी पतंग से लड़ने लड़ना, लड़ने लड़ना या कटने काटने में जुट गई आकाश में उड़ते उड़ते पतंग दूसरी पतंग से लड़ने या काटने में जुट गई आपने देखा होगा जब एक पतंग दूसरी पतंग से मिलती है तो तब क्या हो जाता है बीच से रस्सी कट जाती है तो इसलिए वो वहाँ पर से कट जाती है और हाथ से लूट जाती है आपने कविता में पढ़ा कि आप लड़ने में जुटी पतंग अरे कट गई लूटी पतंग तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे कि आकाश में उड़ते उड़ते पतंग दूसरी पतंग से लड़ने या काटने में जुट गई फिर तीसरा प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर हम अपनी पुस्तक में भी लिख चुके हैं और इस प्रश्न को अब हम कॉपी में लिखेंगे तो देखो पतंग कटकर कहाँ गिर सकती है तो जिसका उत्तर लिखेंगे हम पतंग कटकर पेड़ बिजली के तार घर की छतों और मैदान में भी गिर सकती है पतंग कटकर पेड़ बिजली के तार घर की छतों और मैदान में भी गिर सकती है फिर चौथा प्रश्न देखो बच्चों ये आपने स्वयं करना है आपने किन किन चीजों से बनी पतंगें देखिये लिख बताओ तो यहाँ पे आपने उन चीज़ों का नाम लिखना है आपने जिन 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 चीज़ों से बनी पतंगें देखी देखते है देखते हैं ना आप आकाश में अलग अलग तरह की पतंगे होती हैं अलग अलग चीज़ों से बनी तो आपने लिखना है कि आपने किन किन चीज़ों से बनी हुई पतंगें देखनी देखी हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है स्वयं करें ये प्रश्न इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे तो इस तरह से बच्चों आज आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे तो चलिए बच्चों आज एक कार्य कर लीजिए धन्यवाद बच्चों